मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने सोमवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और ग्राम प्रधानों, शिविर संचालकों के साथ पुलिस लाइन में कांवड़ यात्रा की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को जन सहभागित के साथ सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा और कहा कि इतने बड़े आयोजन में जन सहभागिता की आवश्यकता है। कावड़ का महत्व अधिक है, शासन की भी नजर कावड़ यात्रा पर है। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम प्रधानों द्वारा बैठक में जो भी कमियां बताई गई हैं, उन कमियों को अधिकारियों को नोट करा दी गई हैं और शीघ्र ही उनका निस्तारण हो जाएगा। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से कहा कि नहर की पटरी या गांव में लगने वाले शिविरों की साफ सफाई, विद्युत, पानी, हैंडपंप की सुविधा सुनिश्चित कराई जाए। प्रधानों से कहा कि जनपद में करोड़ों कांवड़िया गुजरते हैं, वे हमारे मेहमान हैं, उनका आदर सत्कार होना चाहिए। इसके लिए जन सहभागिता की जरूरत है, सब मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनाएं। साथ ही कहा कि ग्राम प्रधान सफाई अभियान चलाएं और जहां कहीं भी सहायता की जरूरत होगी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ पर्व को घर के उत्सव की तरह मनाएं। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ त्योहार की तैयारियाँ हर स्तर पर की जा रही है। उन्हीं तैयारियों के क्रम पे आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा सभी जो हमारे कांवड़ शिविर के आयोजक हैं और रास्ते में पड़ने वाले गांव के प्रधान हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी और जितनी भी समस्याएं हैं वो उनको उनसे अवगत करा दिया गया है और जो भी दिशा निर्देश हैं शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से उनको भली भांति अवगत करा दिया है। जिन मानकों के अनुसार इस पूरे शिविर का और इस यातायात व्यवस्था का आयोजन होगा उनको बता दिया गया है। इसके उपरांत हमारे जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं और सेक्टर और जोनल पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी एक समन्वय गोष्ठी यहाँ पे आयोजित की गई है, जिससे कि जो तैयारियाँ हैं वो सुचारू रूप से चले और हम आश्वस्त करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से और सकुशलता से इस पूरे यात्रा को हम सम्पन्न कराएंगे। SSP विनीत जायसवाल ने कहा कि अगर मुजफ्फरनगर में आने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं, साफ सफाई, खाने और पीने, दवाइयों, सुरक्षा, विश्राम शिविर की व्यवस्था आदि व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा तो प्रदेश में जनपद का नाम रोशन होगा। ग्राम प्रधानों का कांवड़ यात्रा में बड़ा सहयोग रहता है, इसीलिए सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।